उमस एक पब्लिक न्यूज चैनल से। दोस्तों आज मुमरा के अंदर आज फिर एक बार जो है नशे वाले लोग के ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। ये गांजा बेचने और चरस गांजा इनके पास मतलब ये बिक्री किया करते थे और ये लोग एक बात और आपको मैं एक क्लियर एक बता देना चाहता हूँ, ये मुमरा के अंदर से पकड़ा गया है क्वीन मेरी स्कूल के पास से, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि ये बेचने वाले जो थे ना ये सब दीवा के लोग थे, दीवा में रहते थे, नेपाल साइड के लोग थे ये तीनों और ये अलग अलग जगह से पकड़े गए। तो ये क्या एक बहुत बड़ी बात है कि मुमरा का एक नाम आके मतलब दीवा के लोग बेच रहे हो मुमरा में आके, तो वो कहीं ना कहीं मुमरा का नाम इससे खराब होता है, कहीं ना कहीं इसकी छवि खराब हो रही है। तो इसके ऊपर एक जो हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई किशोर पासलकर साहब है उनको ये खबर मिली, तो उन्होंने मतलब अपनी टीम के साथ में अलग अलग जगहों पे मतलब एक ये डाला और फिर क्वीन मेरी स्कूल जो है वहाँ से इन लोगों को पकड़ा है। कुछ 4 किलो 4.5 किलो के आसपास में कुछ गांजा बताया जा रहा है जो मतलब इसकी एक अच्छी कीमत होती है और फिर चरस भी है उनके साथ। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई पुलिस के लिए मैं बोलूँगा कि मतलब बहुत एक अच्छा काम कर रही है, क्योंकि नशे का जो एक कारोबार जो मुमरा के अंदर हो रहा है चाहे वो बेचने वाला हो चाहे उसको कोई पीने वाला हो वो हर वही एक शख्स जुड़ा होता है, क्योंकि मुमरा की जो आबादी है ये सिर्फ एक तरफा आबादी है मियाँ भाई की जो आबादी होती है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक बहुत बड़ा एक रैकेट यहाँ पे चालू हो रहा है, तो पुलिस अब जाके ये मतलब ये कार्रवाई मतलब एक नशे के ऊपर से कर रहे हैं, क्योंकि ये मुमरा की बड़ी कार्रवाई है नशे के ऊपर से। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरीके से पुलिस आगे भी कार्रवाई नशा बेचने वाले चाहे वो ड्रग्स हो चाहे वो चरस हो चाहे गांजा हो चाहे अफीम हो चाहे क्वायरेक्स हो कोई भी चीज़ हो जो भी नशे की एक चीज़ें हैं ये मतलब एक बेची जा रही है सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं इस न्यूज़ के माध्यम से पुलिस वालों को एक बधाई भी देना चाहता हूँ कि हाँ भाई बहुत अच्छा आपने किया है और उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आप आगे भी इस तरीके से मतलब लोगों को पकड़ेंगे और उनको ना कि यूं ही छोड़ दिया जाएगा उनको सजा दिलाया जाएगा। तो मैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँगा, जब तक के लिए लाल मोहम्मद शेख नमस्कार।